Welcome to another episode of The Brand Called You, a podcast and podcast show that brings you leadership lessons, knowledge, experience, and wisdom from thousands of successful individuals from around the world. I'm your host, Ashutosh Garg, and today I'm delighted to welcome a very accomplished and well-recognized and respected professional from the world of agriculture, Sharmila Jain Oswal. Sharmila ji, welcome to the show. Namaste. Thank you so much. Sharmila ji is the founder of Good Mom by One Organic, which is an organic food and millet brand. She is spearheading the India Millet Mission, which is the big movement in India. 2023 is the International Year of the Millets. She's also been called the Millet Woman of India and recognized and awarded and felicitated several times. She's also been applauded by Prime Minister Modi in his 100th Mann Ki Baat episode. Congratulations on that. So, Sharmila ji, mujhe pehle bataiye ki aap millets mein kab interest aapka kab shuru hua usme aur aapne isko kaise develop kara? Actually, I am from a very small village called Poinad in Konkan near Alibag. Jee. But originally, I am like my ancestors from Rajasthan. Hmm. So, jawar, bajra, ragi has been a very staple food. I mean, from my childhood times, like dadima and all. And I grew up in a matlab ek jo situation, circumstances. Konkan is, you know, like it is like farming belt. Hmm. And also Rajasthan from where I come. So, I think the mera jo bachpan hai, maine millets ko bahut nazdeek se dekha hai. स्पेशली जैसे राजस्थानी कम्युनिटी में अगर आप देखेंगे और महाराष्ट्र तो ये दोनों में बहुत कॉमन फैक्टर है जवार. हाँ. जवार का रोटी खाना, बाजरे का रोटी खाना, बाजरे का खींच, तो ये बचपन से देखा है. इट्स लाइक दादी माँ के नुस्खे. तो वी आर बीन अ जनरेशन की जो हमेशा हमारे बाप दादा ने, जो एंसेस्टरों ने खाया है, तो वो फूड एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जरूर रहा है जीवन में. और किसानों के साथ मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ, तो उसकी वजह से मिलेट्स में लगाव जो है वो बचपन से रहा है. बहुत अच्छा. और मिलेट जो है अभी रिसेंटली बहुत प्रोमिनेंस में आई है ये पर्टिकुलर दिस ग्रेन, तो इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स क्या हैं? एंड आई बिलीव मिलेट्स की वजह से एनवायरनमेंट भी बहुत प्रोटेक्ट होता है. देखिए, अभी आपने पोस्ट कोविड अगर देखा रहेगा तो सारी दुनिया में जो हलचल मच गई, या लाखों लोग या बिलियंस, मिलियंस, ट्रिलियंस की जो मौत हुई, उसके लिए वजह थी इम्यूनिटी, माल न्यूट्रिशन, या अगर सही न्यूट्रिशन नहीं है तो आपने वो पैंडेमिक, वो कोविड को आपने आप फेस नहीं कर सके. तो एक्चुअली 2018 और 2019 यह हमारा नेशनल मिलेट ईयर था. और अभी जो वर्ल्ड का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, कि न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स जो है मिलेट के, वो इतने अनन्य साधारण है कि जो आपको एक तगड़ा गट देता है, तगड़ी इम्यूनिटी देती है. मैं तो ये कहूंगी कि वैक्सीन भी कोई आप पे उतना असर नहीं करेंगे जितना अच्छा. अगर आपने बचपन से मिलेट्स खाया है. तो आपके बॉडी में एक तगड़ा, जिसे कहेंगे कि न्यूट्रिशन फैक्टर जो है, फिर वो प्रोटीन्स रहने दो, यू नो, इन द टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फाइटिक एसिड्स, या ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स, या जितनी भी विटामिन है या पौष्टिकता है, वो इस मिलेट्स में है. और इसकी वजह से न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स फिनोमिनल होने की वजह से मतलब इसे बहुत महत्व मिला है. और दूसरी बात जो एनवायरनमेंट की है, सी, इट्स अ क्लाइमेट फ्रेंडली क्रॉप. रेनफेड मतलब बारिश बिल्कुल नहीं है. जैसे राजस्थान रेगिस्तान है, आप उड़ीसा मिलेट मिशन देखेंगे, कर्नाटका देखेंगे, जहां जहां एरिड रीजन है, सेमी एरिड रीजन है, वहां ये बखूबी बहुत अच्छा आता है. तो क्लाइमेट फ्रेंडली होने से, कार्बन फ्रेंडली होने से, इसकी जो विविधताएं है वो दुनिया के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है, इंस्ट्रूमेंटल है, जिसकी वजह से मतलब न्यूट्रिशनल बेनिफिट के साथ साथ एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, एंड जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड ने, जिसे आज यूनाइटेड नेशंस ने एक्सेप्टेंस किया है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. जी जी तो मुझे आप ये बताइए, अभी आपने कुछ मिनट पहले बताया कि हमारे जो पुरखों ने बहुत मिलेट्स खाया है और अब इसको ऑलमोस्ट रीडिस्कवर कर रहे हैं, तो बीच में मिलेट्स खो कैसे गया? अब आप देखिए कि जैसे मिलेट जो है, यह हमारा पुराना धान है, एंशियंट ग्रेन है. जी. अब ये गेहूं चावल, एक्चुअली गेहूं तो हमारा था ही नहीं. आपको अगर याद होगा, जब हमारे आज भी दादी दादा सारे 100 साल के, 103, 105 के दिखेंगे, क्योंकि उन्होंने मिलेट्स खाया हुआ है. अब 1960 से जो हरित क्रांति आई,
उसके बाद गेहूं आया। पहले तो ऐसे थे, हम्म, दादी बताती थी कोई मेहमान आते थे तो चार रोटी गेहूं की बनती थी, मतलब इतना वो फॉरेन एलिमेंट होता था। तो अब ये बात हुई है कि मिलेट जो इन्होंने खाया है हमारे पूर्वजों ने, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ये लोग बहुत तगड़े हैं। पर उसके बाद ये हरित क्रांति के बाद गेहूं का, मतलब उसके लिए बहुत सारे पर्राष्ट्रीय धोरण कहेंगे या बहुत सारी जो ये इन्फ्लुएंसेस आए हमारे ऊपर बाहर के, इनकी वजह से क्या हो गया कि हम हमेशा बाहर, मतलब इन्फ्लुएंस जो है अब, हालांकि देखिए हमारे सारे इन्फ्लुएंस, योगा ले लो, पावर योगा, हठ योगा, आयुर्वेदा, ये सारा वो अपनाते हैं। और वहां से जब आता है तो पावर योगा बिकम्स वेरी लाइक कूल एंड हैपनिंग थिंग। बट अब मिलेट को, अब उसे मिलेट कहा जा रहा है, यही अब जवार बाजरा बोलिए तो तुरंत एकदम बंदा जो है ना बोलता अरे उसमें क्या है, बट आप मिलेट्स कहेंगे तो इट बिकम्स अ सोफिस्टिकेटेड वर्जन। तो जो प्रेजेंट जनरेशन है, सॉरी टू से बट जोमेटो इज बिकम अप्पा एंड स्विगी इज बिकम अम्मा। सो अब ये सारा जो कल्चर है उसमें ज्वार की रोटी, बाजरे का खीच या खिचड़ी एक बीमारों वाला खाना बन गया है। सो प्रेजेंट जनरेशन हैपनिंग कूल एंड दैट इन्फ्लुएंसेस, उसमें हम भूल गए हमारा खाना। पूर्वज आज भी खाते हैं, आज भी हमारे घरों में ज्वार की रोटी बनती है बाकायदा, पर वो कौन खाता है, दादी खाती है या मम्मी लोग खाते हैं। जो प्रेजेंट जनरेशन है, न्यू एज जनरेशन, वो ज्वार की रोटी को हाथ भी नहीं लगाएंगे, खिचड़ी को हाथ नहीं लगाएंगे। सो दैट इज व्हाट इज अ गैप, अ जनरेशन गैप, जिसमें भूल गए हैं कि ये अनाज हमारा अपना है, जिसके साथ हमारी इतनी परंपराएं जुड़ी हुई है, हमारा धर्म जुड़ा हुआ है, हमारी कम्युनिटी के आप त्योहार देखेंगे, उन त्योहारों में भी अगर आप देखेंगे बहुत सारे मंदिरों के स्तूपा पे या जो आर्किटेक्चरल देखेंगे उसमें गेहूं चावल नहीं है, वो सारा मिलेट्स अनाज है, श्री धान्य, जिसे अन्नपूर्णा कहा जाता है, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे भगवान ने वो हमें एक अन्नपूर्णा के रूप में दिया हुआ है। अमेजिंग। एंड जो मिलेट्स हैं उसके काफी तरह की डिफरेंट वैरायटीज हैं क्या, जी जी क्या है ये? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी हम सब लोगों को पता होता है जवार, बाजरा, रागी, और जिसकी वजह से हम थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये है मेजर मिलेट्स। बट माइनर मिलेट्स जो है, दैट इज पॉजिटिव मिलेट्स, वो है फॉक्सटेल मिलेट, बार्नियार्ड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, कोडो मिलेट। तो ये जो मिलेट है, पॉजिटिव मिलेट्स, फाइव टाइप के, जिसे कंगनी, सामा, कुटकी, चेना, ये जो है इससे आपके डायबिटीज तक पूरा 100% रिवर्सल होने की ताकत रखता है, आपके क्रॉनिक डिसीजेस को ये रिवर्सल करने की ताकत रखता है, क्योंकि लोएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, आपका ब्लड शुगर हाइक नहीं करता है। तो ये जो पॉजिटिव मिलेट्स है, जिसे श्री धान्य कहते हैं, आपने देखा गया रहेगा निर्मला जी ने अपने बजट में जो प्रस्ताव रखा, तो जी श्री अन्न, तो ये हमारा वो श्री अन्न है, श्री धान्य है। इनफैक्ट आप देखेंगे साउथ इंडिया में इसे बहुत घर घर में, वहां कोई ये नया नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हमारे नॉर्थ एंड वेस्ट में हम इसे भूल गए हैं, बट साउथ इंडिया में आज भी इसे श्री अन्न के रूप में रेगुलरली एज अ स्टेपल खाया जाता है। सो आई थिंक अवेयरनेस हमारे ये साइड पे थोड़ा जी सा ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बट दीज आर द कॉल पॉजिटिव मिलेट्स। पर एक चीज और मुझे बताइए कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो मिलेट्स की, तरह तरह की मिलेट्स की खेती कर रहे हैं या उनको इनकरेजमेंट करना पड़ेगा कि इसको बढ़ाने के लिए? एनकरेजमेंट करना पड़ेगा, जी क्योंकि अब जो है देखिए सारी जनता जो है वो गेहूं चावल पे है। आप देखेंगे हर घर में बासमती आपको ज्यादा मिलेगा। जी एक्चुअली मिलेट को, अगर श्री धान्य को देखेंगे तो वो मिलेट राइस है। तो क्या हम अपना, अपने थाली में से क्या बासमती चावल को क्या हम रिप्लेस करेंगे मिलेट राइस से? थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा अवेयरनेस, थोड़ा जैसे जैसे इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, उसकी जी न्यूट्रिशन, उसके बेनिफिट्स, तब कई लोग थोड़ा सा पोर्शन साइज में दे विल स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग इन देयर थाली, बट जी अदरवाइज उसकी तरफ उतना डिमांड नहीं है। तो डिमांड नहीं है तो फार्मर के लिए जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जो सप्लाई है, उसे अगर एश्योर्ड मार्केट नहीं है, अगर आज देखिए एफपीओज है या फार्मर्स है, वो अगर प्रोड्यूस कर भी ले, अभी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स जैसे दे आर हैविंग लॉट ऑफ चैलेंजेस फॉर सेलिंग मिलेट्स, सो ये चीज जो है वो हैंड इन हैंड जाएगी, डिमांड एंड सप्लाई। तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी, और इसको थोड़ा एक अरसा लग जाएगा, माना कि ये ईयर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, पर जरूरी नहीं कि इसी ईयर में ही हमने खाना है, इस ईयर के बाद में ये नहीं होगा। जी जी इनफैक्ट
ये इस ईयर के बाद इसको एक्चुअली मुझे लग रहा है इसको मोमेंटम आएगा, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि हमने अपने व्हाइट राइस को रिप्लेस करना है, अपने गेहूं को रिप्लेस करना है, ग्लूटेन को रिप्लेस करना है विथ मिलेट राइस, तो फार्मर को क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, वो कंज्यूमर्स बढ़ेंगे तो वो सप्लाई के लिए बिल्कुल करेगा, क्योंकि बिल्कुल. आज उसके पास श्योर शॉट मार्केट्स नहीं है। एंड एज द मिलेट वुमन ऑफ इंडिया, आपका तो एक तो आप फोकस कर रही हैं ऑन प्रोड्यूसिंग मोर, दूसरा आप फोकस कर रही हैं अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, बट आप पुरानी रेसिपीज को ला करके और यंग लोगों के पास उनको नॉलेज देना उसको भी देख रही हैं. बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए क्या होता है, पुरानी रेसिपीज तो जैसे होता है कल्चरल, ये सारे हमारे जी कल्चर्स है, जैसे जी राजस्थान का अपना कल्चर है, गुजरात का है। आपको बताओ जब मुगल इंडिया आए, जब बाहर वाले आए, कोदरों की राब देके उनका स्वागत दिया गया, जैसे जैसे हम पॉरिज कहते हैं, खीर कहते हैं, फिरनी कहते हैं, तो कोदरो मीन्स बाजरे का, कोदरो का उनको राब, राब कहते हैं जिसे, जो टिपिकल ट्रेडिशनल वर्ड है। आज भी सर्दी हो तो आपके दादी माँ के नुस्खे में बाजरे की राब बनाई जाती है, जी ज्वार का राब की राब बनाई जाती है, जो कि छाछ में उसे बनाया जाता है। ये है हमारे श्योर शॉट 100% नुस्खे, जिसकी आपकी सर्दी खांसी, जिसके ऊपर ये जैसे बाजरे में गर्मास है, हीट है, तो वो आपके सर्दियों पे काम करता है। ये आप देखेंगे हर घर में, जहां दादी माए है, दादा है, वहां ये सारी रेसिपीज चलती है। पर अब क्या होता है प्रेजेंट जनरेशन के हिसाब से, नाउ अब इंडिया इज ड्राइविंग दिस मिशन, इंडिया मिलेट मिशन, लाइक आई माई सेल्फ इज बीन इंस्ट्रूमेंटल प्रमोटिंग दिस जी मिशन। अब हमने क्या करा कि न्यू एज जो हमारी जनरेशन है वो पुराना या खिचड़ी, मिलेट की खिचड़ी नहीं खाना चाहती, मिलेट का रोटी, रोटी इज अ बोरिंग फॉर दिस जनरेशन। तो हमने क्या करा, ठीक है रोटी में क्या आ रहा है, पूरा मिलेट का रोटी बना रहे हैं, हमने उसी मिलेट का नूडल बना दिया, हमने उसी मिलेट का पास्ता बना दिया, हमने उसी मिलेट का पिज्जा बना दिया। अब आप सोचिए बाहर का जो पिज्जा खाते हैं वो मैदे का है, नूडल पीज मैदे का है, पास्ता मैदे का है, फ्राइड है, एमएसजी है, ऐसे एंजाइम्स डाले जिससे आपको एडिक्शन हो जाता है वो खाने का, जो स्पाइस पैक्स होते हैं उसके अंदर। पर जी हमने क्या करा कि भाई इसी एंशियंट ग्रेन को लेके, आपके पेट में वो अनाज जाना है, फाइबर जाना है, न्यूट्रिशन जाना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जाने हैं, तो फिर वो नूडल्स खाने दो, उन्हें पास्ता खाने दो, जा तो मिलेट्स रहा है उनके पेट में। सो दिस इज अबाउट द इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से बीइंग इंडियन दैट इंडिया हैज डेवलप्ड फिनोमिनली। नाउ वी आर द स्टार्टअप्स, हमारे जैसे आज इंडिया में 500 to 1000 स्टार्टअप्स जो कि इसके ऊपर इनोवेशन पे काम कर रहे हैं। वी आर इंक्यूबेटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, ICAR, प्रधानमंत्री जी जिन्होंने खुद हमें बुला के, मतलब इतना ट्रेन करके, मतलब ही हिमसेल्फ इज मेंटरिंग अस अमेजिंग कि अमेजिंग. क्या इंग्रेडिएंट्स पे फोकस करना है, एक्सपोर्ट पे फोकस करना है। तो आई थिंक ये जो सारा, ये एक नया भारत है, एक नया विकल्प है जिसमें हम पूरी डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं। माना कि ज्वार की भाकरी नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, जिससे कहेंगे कि मिलेट की खिचड़ी नहीं खाएंगे, जो कि बीमारों वाला आज की जनरेशन के है, नो प्रॉब्लम। आज की जनरेशन के लिए वी हैव कम अप विद द मिलेट नूडल्स, मिलेट पास्ता, मिलेट पिज्जा, मिलेट चिप्स, नॉन फ्राइड, रोस्टेड जवार बाजरा के चिप्स, जो कि आप हमस के साथ खाओ, डिप्स के साथ खाओ, सालसा के साथ खाओ। दिस इज अ न्यू जनरेशन चॉइसेस, राइट? सो इंटरेस्टिंग वी आर रेडी विद द न्यू चॉइसेस फैंटास्टिक. सब्जेक्ट टू तो एंशिएंट ग्रेन। वंडरफुल. तो मुझे ये बताइए कि ये जो आपने नए जो प्रोडक्ट्स की बात करी, मिलेट पास्ता, मिलेट नूडल्स, मिलेट चिप्स, ये आपके अपने ब्रांड गुड मॉम के अंदर आ जी रहे जी हैं जी जी अंडर? जी हाँ जी, तो मैं प्रधानमंत्री जी ने उसे बहुत सराहा, इनफैक्ट पार्लियामेंट में भी मंगाया गया, जो लंच होस्ट किया था, जी फिर पूरे मिनिस्ट्रीज में नाफेड के जरिए वेंडिंग मशीन्स लगाए गए हैं, जिसमें ये सारे, अभी देखिए थिएटर में 400-500 रुपए का पॉपकॉर्न खाते हैं, जो जी कि मक्के का बना हुआ है, कॉर्न का। हम ये कह रहे हैं कि उसे रिप्लेस करके आप ज्वार का फूला खाइए, आप देखेंगे जो हमारे पूर्वज है सारे फूले खाते थे, 4-5 बजे का टाइम होता था तो बच्चों को फूले देते थे। फूला इज व्हाट, इट्स अ पॉपकॉर्न, सोफिस्टिकेटेड वर्जन आता है तो ज्यादा हम उसे प्रेफर करते हैं। सो जवार का अगर पॉपकॉर्न, हमने जवार का पॉपकॉर्न बनाया, चिप्स बनाए हमने जवार से, बाजरे से, देन व्हाट वी डिड, उसमें हमने पेरी पेरी डाल दिया, स्मोकी बारबेक्यू बना दिया, उसको मैक्सिकन पिज्जा का फ्लेवर दे दिया। नाउ दीज आर दी ऑल फ्लेवर्स,
टुडेज जनरेशन इज ऑल फ्लेवर ओरिएंटेड, तो अब ये प्लेन खाना नहीं चाहते, तो इसको हमने सारे फ्लेवर्स दे दिए, यहाँ तक कि हमने मिलेट का बरीटो, मिलेट का रिजोटो, मिलेट के पोहा। अब मैं सारे मिनिस्ट्री से मिल रही हूँ, अभी सेंट्रल मिनिस्टर जो है अश्विन जी वैष्णव, उनके साथ बहुत अच्छी मीटिंग हुई, तो उनको भी हमने कहा कि सारे रेल भवन रेलवेज में जैसे मिलेट का पोहा, हम ये वाइट पोहा जो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, लोएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जो आपका शुगर हाइक नहीं करेगा, और स्टेट्स को भी, फार्मर्स को भी, ट्राइबल फार्मर्स को भी एक कंज्यूमर मिल जाएगा, एक डिमांड मिल जाएगी, तो मिलेट के पोहे हमने सप्लाई करने शुरू कर दिए, अच्छा, यू नो। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपसे इतनी चीजें नई मैं सुन रहा हूँ, मैं तो अपने कॉन्वर्सेशन के बाद अभी जाके ऑर्डर करता हूँ अमेजोन गुड मॉम के प्रोडक्ट्स। तो शमिया जी आगे चलते हैं, आपने ये भी बोला कहा था कि मिलेट फार्मिंग से क्लाइमेट को भी इम्पैक्ट होता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए हमारे को। देखिए, अब जैसे गेहूं है, चावल है, जी आप अगर देखेंगे 1 किलो राइस के पीछे 4,500 लीटर पानी एंड प्लस इवेपोरेशन जो होता जी है, बिकॉज आई एम अ बिट यू नो इम्पैक्ट पर्सन मोर देन अ टेक्निकल और साइंटिस्ट, साइंटिफिकली 4,500 है, बट इवेपोरेशन जो है उसके साथ 9,500 लीटर पानी 1 किलो राइस को अगर जाता है, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा पानी का अपव्यय हो रहा है, एंड उसके साथ साथ हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स, देन आप जब चावल खाते हो या गेहूं खाते हो तो एकदम शुगर स्पाइक हो जाता है जैसे ही आप खाते हो, तो ये सारी चीजें अगर आप कंपेयर करें ग्रोइंग मिलेट्स, जी ये तो बिल्कुल डेजर्ट में, इसको पानी का ड्रॉट में भी आ जाएगा, ये आप राजस्थान के सूखों में ही आ जाता है, गुजरात के सूखे जो सौराष्ट्र कच्छ, आपको सारा मिलेट आपको वहां दिखेगा, एरिड रीजन्स में आपको देखेगा, तो ये कितना बड़ा प्लस पॉइंट है कि जी क्लाइमेट चेंज, आज दुनिया हम जो है टेम्परेचर 2 डिग्री से जो बढ़ गया है, तो ये जो ये पर्टिकुलर क्रॉप है, इट इज अ हीट रेजिस्टेंट, इट इज अ क्लाइमेट रेजिलियंट, इट इज अ कार्बन रेजिलियंट, तो आप ये फैक्टर्स अगर देखेंगे तो देखिए कंपेयर करेंगे कि अरे यार इसे ना वाटर का प्रॉब्लम है, ना सॉइल की प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक्स की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, इट्स लाइक फार्मर अपने आप इसे ग्रो कर सकता है, सीड्स आर विद फुल ऑफ जिंक, अमाइनो एसिड्स, आयरन, जो कि आपके माल न्यूट्रिशन को कॉम्बैट कर रहे हैं, सो सारी विविधताएं विद इन न्यूट्रिशन फैक्टर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। आज पूरे वर्ल्ड में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ये बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, आपको क्या लगता है कि दुनिया ने इसे मिलेट ईयर, मतलब भारत चला गया तो भाई भारत में तो चलो हर दादी माँ ज्वार बाजरा या मोदी जी ज्वार बाजरा खाते थे, चलो उन्होंने कर दिया, पर क्या 72 कंट्रीज जिन्होंने ये डिसीजन लिया, एक्सेप्टेंस किया कि भाई मिलेट ईयर पूरी वर्ल्ड मनाएगी, तो क्यों, जबकि मिलेट बाहर के कंट्रीज में इज कंसीडर एज अ फॉडर, पशु आहार माना जाता है, जिस अमेरिका में नेब्रास्का में सॉर्गम सबसे ज्यादा बनता है खाया नहीं जाता, वो पशुओं के लिए प्राणी का आहार है, तो उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया, आज सारी दुनिया जो है वो मिलेट खाने पे या इंडिया से फॉर्मूले सीखने के लिए क्यों बेताब है, कारण यह है फूड सिक्योरिटी, इंडिया ने यह मंत्रा दिया है, भारत ने यह मंत्रा दुनिया को दिया है कि भाई आपको फूड सिक्योरिटी अगर करनी है न्यूट्रिशनल, देखिए नेशनल सिक्योरिटी तो इंपॉर्टेंट है, बट नेशनल सिक्योरिटी के साथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी उतनी ही जी जरूरी है, सो आई थिंक क्लाइमेट एनवायरमेंट और दुनिया को फूड सिक्योरिटी से अगर कोई बचा सकता है तो वो है मिलेट्स, और जिसकी जिसकी जो पॉलिसीज है या धोरण जो आप सारी दुनिया बना रही है, अब सारी दुनिया इंडिया से सीखना चाह रही है, आज हमारा एक्सपोर्ट रेशियो भी बढ़ रहा है, एपेडा के अगर आप सारे पॉलिसीज देखेंगे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो दे हैव स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटिंग, आप देखिए गल्फ फूड में, जर्मनी में, यूएस में, पहले कभी इंडिया ने इस तरह से प्रमोशंस नहीं किए हुए हैं, आज दुनिया देख रही है कि भारत किस तरह से लीड कर रहा है, एंड दे आर लुकिंग एट अस एज अ गाइड, मेंटर, गुरु, स्पेशली थैंक्स टू द प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो प्रधान सेवक है जिन्होंने फूड सिक्योरिटी का एक नया मंत्रा जी दुनिया को दिया है। बहुत अच्छा। और ये मिलेट जो है ये प्रेडोमिनेंटली इंडिया की क्रॉप रही है, जो कि अब दुनिया देख रही है कि और देशों में भी उगाते हैं ये इसको। पहले बिल्कुल अफ्रीका में, इनफैक्ट इसका जो जन्म है भारत में तो हुआ ही है, हजारों वर्ष जैसे 500 BC से है,
बट एट द सेम टाइम अफ्रीका का भी ये रहा है, अफ्रीका में भी हुआ, इनफैक्ट फॉक्सटेल इटली में, फॉक्सटेल इटली का बहुत कॉमन अनाज रहा है, इवन रेड इंडियंस जो अमेरिका के वो भी इसे ग्रो करते थे, तो यह बहुत पुराना एंशियंट ग्रेन, आई थिंक बहुत सारे कंट्रीज ने इसे ग्रो किया है, पर इंडिया प्रिडोमिनेंटली ऑन अ हायर साइड, क्योंकि हमारे यहाँ इसकी खूबियां जो है हमारे कल्चर एंड हमारे फेस्टिवलों के साथ जुड़ी हुई है। Thank you for listening to the brand called You Videocast and Podcast, a platform that brings you knowledge, experience and wisdom of hundreds of successful individuals from around the world. Do visit our website www.tbcy.in to watch and listen to the stories of many more individuals. You can also follow us on YouTube, Facebook, Instagram and Twitter. Just search for the brand called You.